हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण आशु। तो आज का हमारा टॉपिक है जन संचार के कार्य। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात करेंगे हम जन संचार के कार्य। तो जन संचार के कार्य है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार अभिव्यक्त के मंच उपलब्ध कराना, ये सभी जन संचार के कार्य है। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो पहला है सूचना, सूचना देना। तो क्योंकि जन संचार के माध्यम से हमें कई प्रकार की सूचना या इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है, तो ये सबसे पहला इसका जन संचार का कार्य है। तो पहला है, तो सेकेंड पॉइंट है शिक्षित करना। तो जनसंचार के माध्यम से लोग शिक्षित होते हैं, वे कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए साथ में साथ शिक्षित होते हैं। तो और अब हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट की ओर, मनोरंजन करना। जी हाँ, जनसंचार कहीं ना कहीं आज की डेट में मनोरंजन का सबसे बड़ा संसाधन है, तो ये भी जो है जनसंचार के कार्य के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की, एजेंडा तय करना। एजेंडा का मतलब आप मुद्दा सेट करना, किसी टॉपिक को उठा के उस पर बात करना, तो ये भी जनसंचार के माध्यम के द्वारा रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के माध्यम से भी इस तरह के एजेंडा तय किए जाते हैं और ये भी जनसंचार के एक कार्यों में से एक है। इसके बाद हम बात करेंगे पांचवा पॉइंट, निगरानी करना। देखिए, जनसंचार के माध्यम से हम लोगों के विचारों पर निगरानी रख सकते हैं, कौन किस तरह की सोच रखते हैं उसकी निगरानी कर सकते हैं। और आज के टाइम में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिससे कम्युनिकेशन के द्वारा भी हम कई प्रकार से अलग अलग तरीके से भी निगरानी कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम अपने छठे पॉइंट के और, विचार अभिव्यक्त के लिए मंच उपलब्ध कराना। तो इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के माध्यम से या फिर अखबार के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को दुनिया तक पहुंचा पाता है, लाखों हजारों लोग उसको सुन और देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जनसंचार में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वह किसी एक व्यक्ति के लिए एक मंच को उपलब्ध कराने का सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है।